नमस्कार, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ અને ન્યૂઝ રૂમ લાઇવ સાથે હું છું કશિશ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ વારાણસીમાં વિકાસ પુરુષથી. આપને જણાવીએ કે પીએમ મોદી જ્યારે ત્રીજી વાર પોતાની સરકાર બનાવે છે અને ત્યારબાદ ત્રીજી વાર તેઓ વારાણસીના સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈને આવે છે ત્યારે તેઓ પોતાના સંસદીય ક્ષેત્રની મુલાકાતે પહોંચ્યા. ત્રીજી વખત પીએમ બન્યા બાદ પહેલી વાર સંસદીય ક્ષેત્રની મુલાકાતે પીએમ મોદી. વારાણસીમાં કિસાન સન્માન સંમેલનને પીએમ મોદીએ સંબોધ્યું હતું. આપને જણાવીએ કે विशेष वाराणसी मुलाकात रही मोटी मात्रा में लोग उपस्थित 30,000 महिलाओं ने कृषि सखी प्रमाण पत्र पर आ मुलाकात दरमियान एनायत कर पीएम मोदी साथ उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ पण आ क्षण हाजर रहा था. भारत ने तीजी मोटी शक्ति बनावा कृषि मदद करते आत पीएम मोदी कही है पोता संबोधन में. वधु में कहूं कि 3 करोड़ नवा मकाने बनावा निर्णय ले. पीएम मोदी नु आ संबोधन खूब विशेष रहू छे. चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है. काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम. बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है. काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है. अब तो माँ गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है मैं यहीं का हो गया हूं. इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया. ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था. तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी. आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया. भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है. किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है. अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है. सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है. देश भर में गरीब परिवारों के लिए
तीन करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।